झूठे फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर दूसरे लोग ले रहे हैं लाभ, शहीद के परिजनों को नहीं मिल रहा है लाभ। उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र के शीतल ग्राम पंचायत में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें शहीद पुत्र ने न्याय की मांग करते हुए झुंझुनू जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर झूठे फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर शहीद के परिजनों का लाभ लेने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साजिश रचकर झूठे फर्जी प्रमाण पत्र देकर शहीद देतुराम की फैमिली मेंबर बनकर सुल्तान राम कस्तूरी, नार सिंह सरोज व उनके परिजन पेंशन का दुरुपयोग कर रहे हैं। सब मिलकर कूट रचित कागज बनाकर धोखाधड़ी कर शहीद का परिलाभ ले रहे हैं। शहीद की सारी प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं। इस दौरान शहीद के पुत्र कलेक्टर को ज्ञापन देकर मामले की निष्पक्ष जांच कर दूध का दूध पानी का पानी करने की मांग की है। फर्जी दस्तावेज लगाकर 50 साल से लाभ लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। जो उदयपुरवाटी पंचायत समिति का मामला है शीतल का, और ये मतलब शहीद दत्तूराम मतलब 71 में शहीद हुए थे खेतरा की क्षेत्र में, उसके बाद ये मतलब ये कस्तूरी देवी ने मतलब दूसरी शादी कर ली सुल्तान राम के साथ, और ये 50 साल से मतलब ये सुल्ताना राम कस्तूरी देवी इनके परिवार के सारे मतलब मिलके साझे रच के पूरा लाभ ये मतलब ले रहे हैं। मालिक को लाभ नहीं मिलता, सही वास्तविक परिवार ही पर मतलब लाभ से मतलब वंचित रह रहे हैं, और ये मतलब लाभ ले रहे हैं 50 साल से साजिश करके सका। एक इसकी लड़की है सुल्तान की, वो 45 साल की है, मतलब अनमेरिड है, उसकी शादी नहीं हुई है, उसको आगे करके और वो उसको जालसाजी के थ्रू मतलब हमारे ऊपर झूठे मतलब उल्टे सीधे मुकदमे लगाते हैं, झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देता है, बार बार धमकी देती है, वैसे फंसा दूंगा। सुल्तान सिंह देता उसी लड़की देती है कि आपको झूठे मुकदमे में फंसवा दूंगा, जेल करवा दूंगा, करा दूंगा, और सुल्तान सिंह मतलब ऐलानिया धमकी देता है कि मतलब मेरे कुछ नहीं होगा, एक दो साल की जेल काट लूंगा तो आपका पक्का इलाज कर दूंगा, गाँव में नहीं रहने दूंगा, क्षेत्र में रहने से, ये भी कहता है, धमकियाँ देता है बार बार डेली, काफ़ी परेशान कर रखा है हमें। कलेक्टर साहब को कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, हमें आज भी हमने ज्ञापन दिया है, कलेक्टर साहब ने कहा, हमें आश्वासन दिया है कि हम जल्दी से जल्दी कार्रवाई करेंगे, जांच करवाएंगे इसकी, और इसकी न्याय यहाँ पर मांग की हमने।